जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोयम नंबर 3 है, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इसका आज हम लोग शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स का ऑप्शन है, वहां से आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वुड द टाइगर डू इन अ फॉरेस्ट, यानी जंगल में बाघ क्या करता होगा। तो इसका आंसर होगा, द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, यानी बाघ जंगल में संपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन आर बाउंड्रीज स्टॉपिंग हिज फ्रीडम मूवमेंट, यानी उसके मुक्त आवागमन को रोकने के लिए कोई प्रतिबंध या सीमाएं नहीं है। ही वुड टेरोराइज द विलेजर्स बाय ग्रोइंग शोइंग हिज टीथ एंड क्लास, यानी वह अपने दांतों और पंजों को दिखा करके ग्रामीणों पर गुर्रा के आतंकित करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोयम, यानी प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल आल्सो लाइक फ्रीडम, यानी कवि यह बताना चाहता है कि इंसानों की तरह जानवर भी आज़ादी पसंद करते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी केज्ड, दे कैन नॉट लीव माइजरेबल लाइफ, यानी वे बंदी नहीं बनना चाहते, वे दयनीय जीवन नहीं जी सकते। इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाई ह्यूमन बींग्स दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, यदि उनका निवास मनुष्य द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो ये जानवर जीवित नहीं रह सकते। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, वाई, यानी क्या इन दिनों बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में रखना सुरक्षित है, क्यों। तो इसका आंसर होगा, although it is ideal for tigers to live in the wild today, it will mean certain death for them, यानी हालांकि प्राकृतिक आवास आज भी जंगल में बाघों को रहने के लिए आदर्श है, लेकिन इसका मतलब वास्तव में उनके लिए मृत्यु होगी। रैपिड deteriorating forest and danger posed by poachers have pushed tigers to the brink of extinction, making their natural habitat unsafe and vulnerable, यानी तेजी से खत्म और बिगड़ते जंगल और शिकारियों द्वारा उत्पन्न खतरे ने बाघों को विलुप्त होने के कगार पर ढकेल दिया है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास असुरक्षित हो गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दोज हु डेनी फ्रीडम टू अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स कमेंट, यानी जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वह स्वयं आज़ादी के योग्य नहीं हैं, चर्चा करें यानी कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा, फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी स्वतंत्रता ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, विदाउट फ्रीडम ऑल इज वैन, स्वतंत्रता एक जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता के बिना सब व्यर्थ है। सिंस द मैन हैज कम ऑन हिज ऑन दिस अर्थ ही ट्राइज टू एनस्लेव द वीकर सेक्शन फॉर हिज ओन सेल्फिशनेस, यानी जब से मनुष्य धरती पर आया है वह अपने स्वार्थ के लिए कमजोरों वर्गों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। इफ अ बर्ड लिव्स इन अ गोल्डन केज इट कैन नॉट बिकम हैप्पी, यदि एक पक्षी एक सुनहरा पिंजरे में रहता है तो कभी खुश नहीं हो सकता। इट लव्स टू फ्लाई फ्रीली इन एन ओपन स्काई, यह खुलेआम आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ना पसंद करता है। इन द सेम वे इफ अ मैन लिव्स इन अ प्रिजन एंड गेट्स एवरीथिंग ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस, उसी तरह अगर कोई आदमी जेल में रहता है और उसे सब कुछ मिलता है जो उसे खुशी नहीं दे सकता। बट इफ अ मैन लिव्स फ्रीली ही विल बी हैप्पी इन अ पुअर कंडीशन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रहता है तो वह खराब स्थिति में भी खुश होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, यानी पिंजरे में टाइगर किस प्रकार व्यवहार करता है। तो इसका आंसर होगा, द टाइगर इन द केज इज पावरलेस एंड हेल्पलेस, यानी पिंजरे में बंद टाइगर शक्तिहीन और लाचार होता है। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम,
यानी वह स्वतंत्रता की लालसा रखता है। इट डज नॉट मेक नॉइज फ्रॉम वेलवेट पैड्स, यानी वह मखमली पैड से शोर नहीं करता है। ही इज इन द साइलेंट एंगर रोरिंग एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी वह चुप गुस्से में आग उगल रहा है और आगंतुकों को अनदेखी कर रहा है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।